सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में कोरोना टेस्टों की कमी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत टेस्टों में कमी के जरिए केसेस में कमी का दावा कर रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोरोना के हकीकी सूरत हाल का पता चलाने के लिए हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक रोजाना 1,00,000 टेस्ट किए जाने चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने जिले के सरकारी हॉस्पिटल का दौरा किया और कोरोना इलाज की सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। उत्तम कुमार रेड्डी ने PPE किट पहनकर कोरोना के मरीजों से मुलाकात की और इनके सेहत के अलावा इलाज के बारे में मालूमात हासिल की। इन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में इलाज की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में RT-PCR टेस्ट का आगाज किया जाए। इन्होंने कहा कि दीगर रियासतों की तरह सतह गुरबत से निजी जिंदगी बसर कर रही है, अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए। मरकज की हेल्थ स्कीम से बेहतर आरोग्य श्री स्कीम होने का दावा करने वाले चीफ मिनिस्टर गरीबों को मुफ्त इलाज फराहम करने तैयार नहीं है। इन्होंने कोरोना के इलाज को आरोग्य श्री स्कीम के तहत शामिल करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि सूर्यापेट मेडिकल कॉलेज को 950 बिस्तर रंग के दवाखानों में मुंतकिल करने के लिए वो मसाई करेंगे। इन्होंने कहा कि हुजूरनगर और कोदार के दवाखानों में CT स्कैन, ICU और ऑक्सीजन से मरबूत बेड्स की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया।